हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 31 अक्टूबर, तो बस सुबह की सफाई चल रही है क्योंकि त्यौहार है, कल का करवा चौथ है। और ऐसा है कि एक दो दिन पहले मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि बहुत सारे काम भी होते, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब सी चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज अपने कमरे से स्टार्ट करती हूँ सफाई। तो न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और देखिए, पंखा भी मुझे ही साफ़ करना पड़ता है, लेकिन बेड है, बेड पे मैंने एक वो रखा हुआ है डेग, उस पर चढ़ के मैं कर रही हूँ, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा साफ़। अगर बेड नहीं होता तो मेरा हाथ भी नहीं पहुँच पाता और मैं पंखे को साफ़ नहीं कर पाती। ये सफ़ेद कलर के पंखे होते हैं ना, इन पर धूल बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि वैसे भी हमारे जो खिड़की हैं उसमें वहाँ पर ना खिड़की नहीं लगी है, जो पिंजड़े हैं जो हैं जंगले बोलते हैं उनमें, मतलब खिड़की नहीं लगी है, तो उसमें से बाहर की धूल बहुत आती है। तो बस यहाँ पे कपड़ा ले लिया है मैंने, सूखा ही ले लिया है और कुछ दिन पहले भी करी हुई थी, तो उससे इसको सारे को साफ़ कर दे रही हूँ। और मेरे कमरे का जो लेंटर है बहुत नीचा है, मेरा हाथ आराम से पहुँच जाता है, तो बस उसके बाद कमरे के जाले वाले थे थोड़े बहुत, वो भी मारने लगी हूँ, सब वो भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बड़ी झाड़ू मंगाई हुई थी इसीलिए मैंने कहा चलो इससे साफ़ हो जाएगी। एक जाले मारने वाला भी आता हटाने वाला, उसको मैंने नहीं लिया, ख़रीदा हुआ है, क्योंकि झाड़ू तो काम ही आ जाती है घर में, तो मेरा हाथ इसी से पहुंच रहा था तो मैं इसी से साफ़ कर रही थी। और देखिए बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है थोड़ी मोट, और ये ना जाले बहुत होते हैं, 15-20 दिन में हो ही जाते हैं घर में। तो आज पूरी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ पूरे घर की और किचन की। आज बहुत ज़्यादा थक भी गई थी क्योंकि पूरी सारी क्लीनिंग की और उसके बाद कुछ सामान भी लाना था बाज़ार से, मेहंदी भी लगानी थी, तो मैं इसलिए यहाँ पे मैं सारा काम जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। और ये जंगले पे मैं यहाँ पे पर्दा ये बना हुआ रखा हुआ था, तो इसमें मतलब जब हमने कूलर हटा दिया तो यहाँ पे ये खुला रह गया, इसमें खिड़की नहीं है ना, इसीलिए तो मैंने सोचा ये पर्दा रखा हुआ था मेरे पास और मैंने ये बनाया हुआ था मशीन से ही घर पर ही। तो ये ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे फ्रिज का जो कवर होता है, क्योंकि एक तरफ इसमें जेब है ना इसी तरीके से, तो बस मैं इसको यहाँ पे लगा देती हूँ क्योंकि इसमें से रोशनी आ रही है बाहर का, मतलब बाहर भी सब कुछ देख सकते हैं सब लोग, तो गंदगी धूल भी बहुत आती है। तो मैंने सोचा चलो कट्टा वट्टा लगाने से तो इससे अच्छा है कि मैं ये पर्दा लगा दूँ। और दीपावली के पे अभी मैं शॉपिंग करने जाऊँगी, जो कमरे के लिए पर्दे लेके आऊँगा, और इस पूरी दीवार पर 2 पर्दे टांग दूँगी और एक से तो बहुत सुंदर लगेगा ये वाला कमरा। तो अभी बच्चों के यहाँ पर बैग वैग रखे हुए हैं, अभी हमने ऐसा ही जुगाड़ कर रखा है जब तक खिड़की और कांच नहीं लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पर्दा लगा दिया है। इन कामों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब अपने घर को ऐसे मतलब पर्दे वर्दे लगाना, जो भी कुछ थोड़ा बहुत सजावट का कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ जैसे मेरा मन करता है। तो बस अपने कमरे की सफाई करके आ चुकी थी और मेरी बहन ने अपने कमरे की कर ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में। हॉल में भी जाले लगे हुए थे, चलो मैंने कहा इन्हें भी हटाती हूँ। और जो ये डोरी आप देख रहे हो, ये है हमारी जो वाईफाई लगी हुई है उसी की डोरी है ये, तो वाईफाई लगाते हैं उसके बाद ही डोरी यहाँ पर रह जाती है, इसको ऐसे चिपका दिया था। और हॉल में भी ना बहुत ज़्यादा मतलब छोटे छोटे से रुएँ से रह जाते हैं, ऐसे लेंटर वाले मकान होते हैं ना, आप सब लोगों को पता ही होगा, ऐसे रुएँ से ज़्यादा बड़े तो जाले लगते नहीं हैं घरों में, और बंद घर होते हैं तो बस छोटे छोटे से हो जाते हैं, तो बस वो तो कभी कभी दिखते भी नहीं हैं, तो बस सारी दीवारों पर झाड़ू में मार देती हूँ अच्छी तरीके से। और आज दोनों बहनें ऐसी मतलब जो गुंडे बने घूमते हैं ना, बस दुपट्टा बांध के सिर पैर और आँखों पे बस ऐसे लगे हुए हैं, सुबह से ही खाना पीना बना लिया है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ दिया है, उसके बाद मैंने सोचा चलो करने लगे हैं घर की सफाई, कर ही लेते हैं अच्छे से आज, क्योंकि दीपावली भी तो आने वाली है। और ये फूल देखिए कितने सुंदर गुलदस्ते हैं, इन्होंने भी धुल दिया है, और ऐसे होते हैं प्लास्टिक के होते हैं तो इन्हें एक बार वॉश कर दो अगर सर्फ से धुल दो तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ, सुबह के चाय के बर्तन भी थे खाने के। और सफाई हो चुकी है, अभी बस पोछा लगाना रह गया है। और एक बार हमने झाड़ू पोछा सुबह कर लिया था, दोबारा से सफाई की है हॉल की, तो उस वजह से हो गया है। तो मैंने सोचा चलो पहले किचन के सारे डिब्बे निकालती हूँ, अच्छे से सफाई करूँगी स्लिप व्लिप को धो के, हम लोग पता ही नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो पूरी डीप क्लीनिंग कर ही देते हैं अच्छे तरीके से सफाई, क्योंकि दीपावली भी 11 तारीख की है, 10 दिन तो रह ही जाते हैं और बीच में फिर धनतेरस भी तो पड़ती है, इतना बड़ा त्यौहार है, उससे पहले पुताई भी करते हैं घर में, लेकिन हमारे घर में नहीं हो रही है, शायद पुताई हो भी नहीं रहेगी, करवाएंगे भी नहीं, हो रखी है कुछ दिन पहले, मेरी बहन की बेटी का जन्मदिन था उस पर करवाई थी हमने पुताई, तो इसलिए हम करवा भी नहीं रहे पेंट। तो बस इस यहाँ पे सारे सामान मैंने निकाल लिया है, और इस तरीके से सफाई करती हूँ तो घर एकदम मतलब चमक उठता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है घर
सारा मतलब एक एक साइड में रख दो अच्छी जगह समार समार के, मतलब अच्छी तरह से सामान लगा दो ना। तो बस देखिए इतने सारे डिब्बे निकले हैं, जो भी अच्छे अच्छे डिब्बे होंगे वो उन्हें मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी, और जो भी ख़राब होंगे वो उन्हें मैं निकाल दूँगी। इन्हें भी थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें सर्फ़ डाल के और जूने से साफ़ कर दूँ ना, तो डिब्बे बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। सभी डिब्बियों को मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। और क्या ना, एक किचन है हमारी और दो बहनों का सामान रहता है, तो इस तरीके से हम कुछ तो अपने किचन को मतलब सजा भी नहीं पाते हैं ज़्यादा, मतलब दो जगह डिब्बे भी रहते हैं और एक तरीके के डिब्बे नहीं हैं। अभी हमने पूरा सेट लिया भी नहीं है, सोच रहे हैं कि अलग अलग हो जाएंगे तब पूरा पूरा सेट ले लेंगे किचन का। अभी जगह भी नहीं है इतना, मतलब अलग सामान ले लूँ तो रखेंगे कहाँ पे। इसी वजह से मैंने अभी छोटी ही गैस ले रखी है, अभी बड़ी भी नहीं खरीदी हुई है। मेरा मन तो करता है लेकिन रखने के लिए अभी जगह भी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सारे डिब्बे जो हैं, जो उनमें पानी चला जाएगा घी का और चीनी का और रिफाइंड का, वो वाले डिब्बे मैंने नहीं लिए हुए हैं क्योंकि पानी अक्सर उनमें चला जाएगा तो फिर ख़राब भी हो जाएंगे। चीनी अभी डिब्बा भरा हुआ है इसीलिए, और घी भी। तो बस जो भी खाली डिब्बे थे वो भी ले लिए हैं। ये मसालदानी है, बस इसको भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि इसमें डिब्बियाँ रखी हुई हैं अलग से, उनको निकाल के अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और धूल बहुत जल्दी आ जाती है घरों में, 10 से 20 दिन में हो जाते गंदगी। तो बस उसके बाद मैंने सफाई करी, मैं डिब्बे साफ़ कर लिए। तो बस मुझे बहुत तेज़ों से भूख लगी थी, समथिंग टाइम हो रहा है 12:25 हो रहा है, क्योंकि बच्चों को अभी बुला के लेके आई हूँ, उसके बाद बस खाना खाने बैठी हूँ। मैंने कहा चलो खाना तो खा ही लेती हूँ। तो फ्रेंड आइए आप भी कर लीजिए दोपहर का लंच, दोपहर का खाना खा रही हूँ। और ऐसा है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितनी अच्छी मेहंदी लगा सकती हूँ अपने हाथ। अपने घर पे ही सारा कुछ करती हूँ मैं, बाहर पार्लर में नहीं जाती हूँ, तैयार भी नहीं। मतलब पार्लर वाले और मेहंदी के और मतलब श्रृंगार करने के बहुत ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं यहाँ पे इतने बड़े शहर में, तो बस मैं घर पे तैयार हो जाती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 31 अक्टूबर, तो आज है हमारी साली की शादी की सालगिरह, और हम नहीं बना रहे हैं, और हम वैसे तो बनाते ही नहीं हैं, और बस आज क्योंकि कल का करवा चौथ होता है तो कल व्रत रहेगा हमारा। और आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी, इस मतलब महीने का क्या हमला, आज 31 अक्टूबर है। और वैसे तो हमारी जो डे उठी एकादशी आती है उसके उस पे हुई थी हमारी शादी, और आज हमारी सालगिरह। और बस मैं अभी हाथों पे मेहंदी लगाने जा रही हूँ, जो भी थोड़ा सा सामान रह गया था करवा चौथ का वो मैं लेके आई हूँ अभी बाजार से, देखती हूँ कैसा डिज़ाइन आएगा, मैं खुद से ही लगा लेती हूँ। तो अच्छा लगे तो फ्रेंड ब्लॉग हमारा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और आज हमने पूरे घर की सफाई की, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मतलब थक गई थी बीच में, फिर मैं सो गई। तो पर मैं थोड़ा सा 1 घंटे के लिए रेस्ट किया, उसके बाद लगाती हूँ मेहंदी। तो चलिए डिज़ाइन आपको दिखाती हूँ कैसे लगाऊँगी। चूड़ियों को निकाल लेती हूँ, ये चूड़ी मैंने पहन रखी है। एक एक कड़ा रख लूँगी वैसे उसमें। ए, क्या करने की जा रही है बदतमीज। इसको भी थोड़ी देर के लिए निकाल देती हूँ। और मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आ चुकी हूँ, उसके बाद लगाने बैठी हूँ मेहंदी। और फिर भी एक बेटी तो रह ही जाती है छोटी वाली, मेरी बहन की छोटी बेटी वृंदा, तो ये ना मुझे बार बार हिला रही थी। और दिखाती हूँ आपको मैं कैसा डिज़ाइन बनाऊँगी अपने हाथों पे। मैं किसी मतलब किताब में से देख के नहीं बनाती हूँ, बस जो भी मेरे दिमाग में आता है, मन में आता है, बस वही डिज़ाइन मैं बना देती हूँ अपनी मेहंदी से अपने हाथों पर। आपको दिखाऊंगी जरूर के कितना अच्छा मतलब डिज़ाइन बनाया हुआ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी है। तो देखिए यहाँ पे अपने हाथों पे लगा रही हूँ डिज़ाइन, और देखिए इस तरीके से मैं बनाती हूँ। मैं जब स्कूल जाती थी ना, तो तभी मैं थोड़ा बहुत मतलब हाथों पे लगा के देखा करती थी ड्राॅइंग में बना के, तो बस तभी से मैं सीखी हुई हूँ। और 2-3 हाथ बना के ड्राॅइंग का पेपर होते थे प्लेन वाले, उन पर मैं बनाया करती थी मेहंदी, तो उसी से मैं सीख चुकी हूँ। और मैं अपने हाथों पे अपनी तरफ से लगा लेती हूँ, और मैं और भी कोई लगवाना चाहता है ना जो भी घर में, तो मैं उन्हीं के भी लगा देती हूँ। लेकिन जिन लोगों को पसंद आती है मेरी मेहंदी उन लोगों के लगा देती हूँ। तो देखिए बस मैंने यहाँ पे इस तरीके का और आगे डिज़ाइन बनाया हुआ है। और देखिए यह है मेरी पूरी फाइनल मेहंदी। अगर मैं आपको पूरा वीडियो दिखाती मेहंदी का तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो देखिए फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी करवा चौथ की मेहंदी कैसी लगी है। अगर हम मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना मेहंदी कैसी लगी है। तो कल मिलेंगे नई वीडियो।